अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह फिर से हम दोनों मौजूद हैं एक और नई मूवी के ट्रेलर के साथ, जो कि जिसका नाम है पल्टन। अच्छा, और जिसमें जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद और बहुत सारे लोग होंगे। यकीन है पल्टन है तो पल्टन ही होगी ना उसके अंदर। चलते हैं ट्रेलर की तरफ और बाकी बातें बाद में। भाइयों और बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारी सीमा पर जबरदस्त हमने चीनी फौजों ने किए आर्मी सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नथुला छोड़ दो वरना 1962 वाला हाल करेंगे। हम नथुला नहीं छोड़ेंगे बिकॉज़ इट्स की जो 67 में दोबारा इंडिया में हो रहा है। ओ भैया पाचा जी कोई चलता होगा ना ऐसे काम में, इतना रीजन से जो भी खड़ा होता है ना अभी तो 67 में है ना, अभी बारे में पता चल जाए। अंदर आकर अड्डा खोलने की हिम्मत कैसे की? नहीं ये जगह भी नहीं कर रहे, ये अभी चाहिए। अरे नहीं ना लिखा हुआ है, चलो देखो ये इनकी दोबारा इनकी पता होगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, उनकी पूरी तैयारी नाथुला के लिए है। हमारी पलटन को भगवान ने शायद इसी काम के लिए यहाँ भेजा है। अगर यहाँ से बिना बदला लिए मैं चला गया तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने चेयरमैन मौकी पवित्र धरती पर घुसकर हमारे काम रोकने की कोशिश क्यों किया? जो किया तुम्हारी गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की, ये फेंस हमारी सीमा में। हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे और तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। कोई काम नहीं रोकेगा। ये भी इतना पता होता है 7 अरे नहीं ना हमला होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि आपका हो रहा है। एक बात का वादा है सर, हमारी पलटन इतिहास रचेगी। हाँ जी, ये थी 1962 की वॉर। 7-2 में जो हारे थे हाँ। उसके बाद जो 7 में हुआ उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड थी कि 62 में तो ये लोग हार गए थे। हाँ 7 में 67 में जब इनकी जो वापस हुई जंग और उसके बाद जो उन्होंने सफ़र किया और जो जीते उसके बारे में ही, उसमें जो फौजी शरीक हुए होंगे मेरे ख्याल से उनके ऊपर अच्छा, बेस्ड थी स्टोरी है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इस बार पाकिस्तान को नहीं रगड़ा इन्होंने, चाइना भी लिया है बीच में, चलो चाइना से जंग की कोई मूवी बन गई। अच्छा भारत क्या कहते हैं यार, देखो जंग तो जंग ही होती है ना, मतलब एक होता है ना कि हर बार हम सॉरी टू से आप बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा यकीन, लेकिन हमेशा जब भी हम सुनने में आते हैं कोई आप मूवी देख लो मैच भी दिखाएंगे ना तो फॉरेन से आएगा कि इंडिया पाकिस्तान जीत गया। नहीं इंडिया की ना इंडियन साइड पे ना दोनों को दुश्मन समझते हैं, एक चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। हालांकि 60s से पहले जो है ना चीन पहले ही नारा वतन का कि हिंदू चीनी भाई भाई का ना बड़ा अच्छा इनका बड़ा अच्छी रिलेशन थे हिंदुस्तान को चाइना के, मगर फिर पता नहीं जैसे क्या हुआ वो बॉर्डर लगते हैं ना जैसे इसमें भी दिखाया कि वो जगह के ऊपर बांग्लादेश के भी लगते हैं इनके साथ दूसरे भी बहुत से लगते हैं। अभी जो मूवी में भी दिखाया ना कि वो जगह के ऊपर ये तिब्बत का मसला है, वहाँ पे दलाई लामा भी इनके वहाँ पे बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए जो इनका बड़ा डिस्प्यूटेड बंदा है ना, इनका तो मसला है ना चाइनीज का, वो वहाँ चाइना से भाग के ना वो चला गया इंडिया के साथ चला गया, इन्होंने इसको शरण दी हुई वहाँ पे ना वो दी हुई है तो वो उधर उस पर चलते हैं।
तो इनका आपस में थोड़ा सा चल रहा है, आपस में हिंदुस्तान और चाइना का भी। अच्छा कुछ डिस्प्यूट हमारे से चल रहा है, हमारा कश्मीर भी चल रहा है उसमें, तो हम तो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला भी सोल्यूशन हल हो जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी तो झगड़ा नहीं है हमारा, तो हमें कितनी चीज़ें मिलती होती हैं, सिर्फ एक डिस्प्यूट है हमारा कश्मीर का और हिंदुस्तान का, जो कि बहुत सारे दोनों एडमिट भी करते हैं कि यार हमें इस मसले को हल करना है। अच्छा इसमें जो सफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं कश्मीरी, उनके साथ प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ ना, तो मसला हो रहा है इंसान का, जगहों का नहीं है, हम जगहों पर लड़ रहे हैं ना, ये नहीं देख रहे कि पिछले 70 साल से 60 साल से हमारी तरफ भी देखो परेशानी चल रही, जंग हम तीन चार जंगे हमने कर चुके हैं हिंदुस्तान से, वो हमसे कर चुका है, फिर कश्मीरी अलग फंस रहे हैं, फिर तिब्बत पे वहाँ पे अलग का मसला चल रहा है, वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, तो सिर्फ क्या ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से क्या ना उनको फ़ायदा हो रहा है ना हमें को फ़ायदा हो रहा है, और मर गए हैं आपका बेटा, आपका भाई, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, वो मर रहा है, हम जंगे लड़ रहे हैं, तो अच्छा हम तो देखते कहते ना कि यार बच्चे लड़ रहे हैं, मतलब क्यों समझता है, हम भी समझाते हैं, और खुद इंटरनेशनल लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उस पर हम समझते नहीं, क्योंकि इतने हालांकि जो हुकूमतों के अंदर होते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, इतने समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो वाली बात क्यों जब के अंदर पढ़ते हैं करते हैं, वही वाली बात, वो खुद मिल रहे होंगे आपसे, हाँ वो आपसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आपसे किसी दूसरे न्यूट्रल मुल्क में मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छे से चाय भी पी रहे हैं, एंड में अवामों को लड़ाया हुआ है, मैं आपको गाली पीपल टू पीपल की लड़ाई हो रही है, फिर कंट्री टू कंट्री नुकसान तो लॉस हो रहा है ना, आप जैसे देखो ना हिंदुस्तान से हमारा थोड़ा देश भी चल रहा है, तो हम जो तजारत भी हमारी हो रही है डायरेक्ट हमारी कम हो रही है, दुबई भी थ्रो वहाँ से आ रहा है, जब हमें पड़ोस में यहाँ से यहाँ खरीद सकते हैं, मेरे पास अगर जैसे कहते पड़ोस में कि बहन ज़रा चीनी खत्म होगी ज़रा देना, ज़रा कप चीनी देना चाय के लिए, कहा मेहमान आए हैं, तो हम वो पड़ोसी क्यों नहीं बना रहे थे उसके अंदर बना रहे थे ना, तो वो प्यार होना चाहिए हमारे को चीनी के लिए, तो हम चीनी के हमने चीनी हमने ड्राई चीनी मंगा ली चीन से ना, हम चीनी हमारे पास आ गए। अच्छा हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा ईरान से तालुक अच्छे हैं, हमारे चाइना से बहुत, चाइना से खैर हमारा ऐसा है कि कहीं कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान का बहुत भाईचारा था आपस में ना, फिर हमारा इतना अच्छा हो गया कि हमारी तो कहते हैं कि लोग लगते हैं कि चाइना का नाम आया बहुत, तो वो बहुत मीठा मीठा पता आता है ना, एक तो वैसे उर्दू में होते चीनी बोलते हैं मीठे को शुगर को, और चीनी वाले वो वैसे चीनी इतने तो हमारे तो बाकी भी चीनी हो गया हमारे भी ना डबल उसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भी हमारे ताल्लुक ऐसे हो जाए जैसे चीनियों से हमारे ताल्लुक आते हैं बड़े प्यार के, ईरान से ईरान हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान से हमारे बड़े अच्छे, हमारा तो बॉर्डर ही नहीं है अफगानिस्तान से, तो कोई वीज़ा ही नहीं है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं चारों तरफ ऐसा हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है, हाँ नुकसान बिल्कुल हुआ है हमारे को नुकसान, मगर भारत कहते पड़ोसी तो है ना, हक तो है ना, पड़ोसी है पड़ोसी ना भाई पड़ोसी, तो पड़ोसी में कहता है कि एक बच्चा उनको बदमाश निकल गया क्या कर सकते हैं उनका है तो उसमें, मगर हमारा बिल्कुल बॉर्डर जो हमारा टाइट है ना वो सिर्फ हिंदुस्तान से है हमारा, जो कि बहुत अफसोस होता है कि जैसे आप चाइना का इनका बड़ा टेंशन रहती है बॉर्डर पर इनके ना, चाइना की और इंडिया की आपस में ये बयानबाजी भी चलती रहती है, मगर फिर भी हमसे कम दुश्मनी है शायद, मुझे ऐसा लगता है, वही तो मैंने उसी बात शायद कहकर हमारे भाई कैरेक्टर है, वही तो मैंने कहा कि भाई हम पे कितनी मूवीज बन चुकी है लड़ाइयों पे और हर चीज में, तो मुझे पहली बार मैंने कोई मूवी देखी कि चाइना से जंग पे मूवी बनी, तो मुझे अच्छा लगा भाई, हालांकि टाइम आया था जब 1962 की जब वॉर हो रही थी, तो हमारा को कहा गया था कि यार आप भी हमला कर दें अपने कश्मीर ले लें वहाँ से, मगर हम न्यूट्रल रहे थे, हम लोगों ने इंडिया से जंग नहीं की थी, और 3 साल बाद हमारी जंग हो गई थी 1965 में इंडिया से, 65 में तो हमारी जंग हो गई थी इंडिया से, और ये 67 में हुई, ये नहीं ये 62 की ना, ये असल जंग असल जो ना जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी हुई थी वो 62 में हुई थी, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कारगिल टाइप की तो वैसे तो होती थी ना, जगह होती थी ना, कोई मसला नहीं, तो बाहर क्या कहते हैं जंगे भाई अच्छी जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग खत्म होना चाहिए, वॉर दोनों साइड के लोग कंडेम करते हैं, लोग नहीं चाहते, उससे नुकसान आवाम का ही हो, फिर भी आवाम का ही नुकसान होता है, जंगों में तो देखो ना आवाम नुकसान था, हुकूमतों का नहीं होता, वो तो फिर भी अयाशियां कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, मजे लूट रहे होते हैं, अच्छा वो सेफ भी रहते हैं, मरता कौन है, मरती फिर भी आवाम है, मरता कौन है, आम सिपाही मरता है, आम जनरल जो बेचारे मेजर शेजर जो होते हैं छोटे छोटे वो बॉर्डर पर आगे फ्रंट पर होते हैं ना, बाकी जो बड़े जो होते हैं फोर स्टार जनरल होते हैं वो तो बैंकर में बैठ के वो सारी स्ट्रेटेजी बना रहते हैं ना जंग की, तो भाई कहते हैं No war, only peace. तो पीस का प्रोग्राम है चाहे उस तो बैठा हुआ नहीं है चाइना से भी पीस, पाकिस्तान से भी पीस, हिंदुस्तान से भी पीस, पूरी दुनिया का पीस होना चाहिए, नए पीस के साथ जब तक के लिए ज़्यादा जी का अल्लाह हाफिज़।